हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे एलजेब्रिक एडिशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 3y प्लस 4z एंड माइनस 7x प्लस 5y माइनस जेड एंड नेक्स्ट है 3x माइनस y माइनस 2z। इसको हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले इसको ऐड करेंगे इस तरीके से 2x माइनस 3y प्लस 4z, फिर लिखेंगे माइनस का 7x प्लस 5y माइनस जेड, उसके बाद 3x माइनस y माइनस 2z। अब इसको हमें ऐड करना है, किस तरीके से ऐड करेंगे इसको। यहाँ पर अगर देखा जाए, ये है 4z और ये है माइनस जेड एंड माइनस 2z, तो माइनस जेड और माइनस 2z ये हो जाएंगे माइनस 3z और 4z में से माइनस 3z सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस का बनेगा जेड, सिर्फ एक जेड बचेगा तो जेड लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखा जाए 5y है प्लस का, ये माइनस का 3y और ये माइनस का 1y, तो माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4y हो जाएगा प्लस का y, ये 5y है प्लस का, तो 5y में से माइनस का 4y सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर भी प्लस का y बचेगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ देखा जाए 2x प्लस का है माइनस 7x और ये प्लस का 3x, प्लस प्लस ऐड कर लेंगे 3 और 2 5x और ये माइनस का 7x ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 2x शेष बन जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऐड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट, यानी इसको हम सब्ट्रैक्ट करना है 2x प्लस 3y माइनस 5z फ्रॉम माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3z, तो जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखेंगे। तो माइनस का 4x जो दिया है माइनस का 2y प्लस का 3z, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x प्लस का 3y और माइनस का 5z। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे माइनस, जब इसको माइनस से सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये प्लस की वैल्यू 5z और ये 3, तो 5 और 3 हो जाएंगे प्लस के 8z। उसके बाद यहाँ देखा जाए ये माइनस के 3y और ये माइनस के 2y, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5y। उसके बाद यहाँ देखा जाए माइनस का ये 2x है माइनस का 4x, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे।